दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी डेली जीके टेस्ट सीरीज चल रही है, और डेली जीके टेस्ट सीरीज में क्या होता है मैं आपको एक बार फिर से बता दूं भाई, ठीक है। जो पुराने वो तो जानते हैं, नए जो भी हैं चैनल पर आए उनको बता दूं, मैं सोमवार में संविधान के क्वेश्चन लाता हूं, मंगलवार में भूगोल के, बुधवार में इतिहास के, गुरुवार में साइंस एंड टेक के, और शुक्रवार में अर्थव्यवस्था के, और शनिवार में विविध से क्वेश्चन आते हैं। तो आज का दिन है भाई शुक्रवार, और शुक्रवार में आज जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन होंगे हमारे अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था मतलब धन की व्यवस्था, जैसे कि वित्त आयोग हो गया, RBI बैंक हो गया, पैसों का लेन देन हो गया, रुपए पैसों का लेन देन हो गया, यानी जो भी क्वेश्चन होंगे आज सिर्फ और सिर्फ पैसों या बैंक या से संबंधित क्वेश्चन होंगे। आपको सभी को पता है कंपटीशन तैयारी कर रहे हो अर्थव्यवस्था। एक बार फिर से बता दूं भाई आपसे, एक रिक्वेस्ट है, जितने भी आप क्वेश्चन करो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना कि भैया मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, इतने क्वेश्चन गलत हुए हैं। बाकी फिर आपसे लास्ट में 5 क्वेश्चन पूछूंगा, ओवरऑल 25 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों बगैर टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं भाई। ये लो क्वेश्चन की पहले क्वेश्चन की एंट्री होती है कि भारत की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रथम प्रयास किसने किया था। क्वेश्चन है कि मतलब भारत की राष्ट्रीय आय की गणना एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास सबसे पहले किसने किया, ठीक है। तो इसका आंसर सोचो क्या होगा, वीडियो को रोको और सोचो क्या होगा। इसका आंसर होगा डियर दादा भाई नेहरू जी वो व्यक्ति थे जिसने भारत की आय का प्रथम बार आकलन का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या माना गया है। राष्ट्रीय आय का आधार गणना भाई राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम, आधार वर्ष का मतलब है इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स वर्ष क्या, बेस ईयर क्या माना गया है। इसका आंसर होगा डियर 2011-12, ठीक है। इसका आंसर होगा 2011-12, जो हमारा आज का नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है उसका बेस ईयर होता है। बेस ईयर का मैं आपको मतलब बता दूं एक बार, जैसे कि परसेंटेज को किस पे दिखाते हैं, परसेंटेज का बेस कितना होता है भैया, परसेंटेज का बेस होता है 100 पे दिखाते हैं ना। ऐसे ही किसी भी हमें यदि 2018 की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो उसका बेस माना जाएगा 2011-12। 11-12 का मतलब आप समझ लो, क्योंकि फाइनेंस ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन, इसका मतलब है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, आपने नाम सुना होगा NSSO। NSSO का गठन हुआ था 1950 में। NSSO गठन कब हुआ था भाई, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा 3 है, NSSO और CSO मतलब CSO प्लस NSSO का विलय किसमें कर दिया गया है। CSO 51 मैंने आपको पढ़ाया भाई, ठीक है। इसके लिए नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन है, पहले उसको पढ़ लेते हैं एक बार। एक्सप्लेनेशन है कि केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2019 में NSSO एवं CSO का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO में विलय कर दिया गया है। यह दोनों अब NSO के घटक होंगे। इट मीन्स CSO पहले एक अलग संस्था थी, NSSO अलग संस्था थी, CSO की स्थापना 51 में हुई थी, NSSO की स्थापना 1950 में हुई थी, अब इन दोनों को मिलाकर बना दिया गया है NSO मतलब नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से है। लकड़वाला है, सुरेंद्र तेंदुलकर है, रंगराजन है। मैं आपको बता दूं कि भी सारी कमेटी जो है ना, इन सभी कमेटियों का जो संबंध है ना वो गरीबी मापन से है। तो इसका आंसर होगा डियर डी। क्वेश्चन नंबर 5, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना भारत में कब हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना भारत में कब हुई थी, सोशल डेवलपमेंट प्लान फाउंडेशन वाज। तो सोचो भी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1952। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी।
याद रखना फिर से, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। क्वेश्चन नंबर 6, तेंदुलकर समिति ने गरीबी मापन का आधार क्या माना है? इसके लिए इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन है कि तेंदुलकर समिति कॉन्सेप्ट, यानी तेंदुलकर समिति जो बनाई गई थी उसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। उसका कॉन्सेप्ट कहता है कि वर्ष 2011-12 में देश में निर्धनता का 21.9% पाई गई। इसका मतलब है कि इस कमेटी के अनुसार 2011-12 में हमारे भारत में लगभग ऑलमोस्ट 22% लोग गरीब पाए गए। ठीक है, मुझे ये भी पता लग गया कि भारत में लगभग कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। इस समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई 27 रुपये से अधिक तथा शहरी क्षेत्र में 33 रुपये से अधिक प्रतिदिन खर्च करता है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि तेंदुलकर समिति का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि 2011-12 में भारत की जो निर्धनता रेट थी वह 21.9% थी और इसने जो गरीबी को मापा है वह एक व्यक्ति के खर्च के हिसाब से मापा है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में है कि तेंदुलकर समिति ने गरीबी मापन का आधार क्या माना था? जो बेस माना था भाई, राष्ट्रीय आय तो नहीं मानी, पारिवारिक जीवन, इसका मतलब प्रति व्यक्ति मासिक खर्च इसने माना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में मुख्य कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? भारत में बेरोजगारी है, भारत में बताइए कितनी बेरोजगारी है, कैसी बेरोजगारी, कितने प्रकार की बेरोजगारी है। तो मैं बता दूं, देखो शिक्षित बेरोजगारी वो हो बेरोजगार होगी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आप पढ़े लिखे हो और फिर भी रोजगार नहीं है, इट मीन्स शिक्षित बेरोजगारी। प्रचिन्न बेरोजगारी कौन सी होती है? प्रचिन्न बेरोजगारी वो होती है जो मोस्टली कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे कि एक कृषि, सपोज करो एक परिवार में 10 लोग रहते हैं और उन पर 5 बीघे खेत हैं और वो 10 के 10 5 बीघे में लगे हुए हैं, तो आपको देखने में लगेगा कि सारे के सारे भाई काम पे लग रहे हैं, सभी के सभी काम पर बिजी हैं, इसका मतलब ये बेरोजगार नहीं है। लेकिन आप ये सोच के चलो एक व्यक्ति भी उस खेती को कर सकता है यदि चाहे तो, लेकिन 10 के 10 रोजगार है, यह होती है छिपी बेरोजगारी। एक होगी खुली बेरोजगारी और यह सभी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी जो मुख्यतः बेरोजगारी ही होती है। तो इसका आंसर होगा डियर, भारत में तो मेरे हिसाब से सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, मुख्यतः बेरोजगारी, प्रचिन्न सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? अब सोचो, इसको रोको वीडियो को और आप ऑप्शन को लगाने की कोशिश करो, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। अब आप ही बताइए, क्या मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अभी गेहूं की कटाइयों का समय चल रहा है, ठीक है, अभी हम गेहूं काट लेंगे, अभी व्यस्त हैं हम, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, 1-1.5 महीने बाद फ्री हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएगा ना किसान, तो बिल्कुल, इसका मतलब मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, शिक्षित का मतलब ही नहीं, और हाँ छिपी भी पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा ना, ना तो भाई इनमें से कोई हो, लेकिन मुझे पता है कि इसका आंसर A+D दोनों होंगे, ठीक है। अब ज़्यादातर मैं जो इसका क्वेश्चन लगाने की कोशिश करूँगा, मैं ज़्यादा परसेंटेज जो दूंगा इसको मैं ये दूंगा डी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि जो कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है वह बेरोजगारी पाई जाती है जो ज़्यादातर हमको दिखते हैं कि ये रोजगार है लेकिन वो बेरोजगार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा 8 तक के बच्चों को उच्च पोषक तत्व युक्त दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने वाली योजना, डे मील योजना, इसका मतलब है मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? आपके गाँव में भी आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की योजना है, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, आप बताइए मुझे। तो मिड डे मील की योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी और याद रखना इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी, इसकी शुरुआत तमिलनाडु राज्य से हुई थी। फिर बता दूँ, मिड डे मील 95 तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 2004 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? हाँ, पहली बात तो अब एक बात याद रखना कि राष्ट्रीय कृषक आयोग कब बना, राष्ट्रीय कृषक आयोग 2004 में बना। मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ पूछ लिया, मुझसे पूछा तो गया था कि राष्ट्रीय कृषक आयोग कब बना,
मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया कि कृषि आयोग 2004 में बना, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में बना। अब एक बात बताइए भाई, बलवंत राय मेहता बिल्कुल नहीं है ना, याद करो, बलवंत राय मेहता ये वो है जो पंचायत समिति से संबंधित था, जगजीवन राम ये वो हैं जो कि 2004 में, जगजीवन राम का तो मतलब ही नहीं भी, ठीक है, ये तो हम मॉडर्निस्ट में पढ़ा इनके बारे में। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और महिपाल, तो इसका आंसर होगा भाई डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। याद आया कुछ, ये वही एम एस स्वामीनाथन है भैया, 1966 1967 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। याद है, हरित क्रांति की शुरुआत का प्रभाव दो फसलों पर मुख्यतः पड़ा था, एक तो गेहूं पर पड़ा था और एक चावल पर पड़ा था, और दोनों में से पूछा जाए सबसे ज़्यादा किस पे पड़ा था, तो वो गेहूं पे पड़ा था, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखी है अभी, इसको भी आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 11, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है। मैं इसको सबसे पहले काटूंगा, इसको सबसे पहले काटूंगा, क्योंकि मत्स्य उत्पादन से ये है और ये दूध श्वेत क्रांति से है, इसका ऑप्शन ये होगा भी फिर, ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा का विकास। यानी आप तो ये सोच रहे हो कि भैया भूरी क्रांति तो उर्वरक से संबंधित है, हाँ जी उर्वरक से भी संबंधित है, और गैर परंपरागत ऊर्जा विकास के लिए भी यही क्रांति उत्तरदायी है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, सोने की क्रांति, यानी जिसको आप गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं, झींगा मछली से संबंधित है, झींगा मछली इसमें दिख रहा है, तो इसका मतलब मधुमक्खी पालन, ये दोनों से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र में संतुलन का क्या अर्थ है, अर्थशास्त्र में संतुलन का क्या अर्थ है भाई, भौतिक में संतुलन का क्या अर्थ है, फिजिक्स में संतुलन का अर्थ है बिल्कुल स्थिर होना, ठीक है, और यहाँ अर्थशास्त्र में संतुलन का अर्थ है कि दोनों दोनों भाग, यदि इधर लेन है और इधर देन है, लेन देन इक्वलिटी में चलते रहना, 10 रुपये देना, 10 रुपये का माल लेना, इट मीन्स दोनों तरफ बराबर बराबर शेष होना, तो इसका आंसर बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, ये फिर से 13 आ गया, अभी दो तीन क्वेश्चन आज आपको और एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र, इट मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा सबसे पहले किस देश में शुरू हुई, ये आपका भारत देश है जिसने इकोनॉमिक से स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत की थी, तो इसका कंसेप्ट भारत से ही आया है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, याद रखना, मैं बता दूं, इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये वह होता है, वह एरिया होता है जहाँ मुख्यतः इकोनॉमिकली एक्टिविटी की जाती है, मतलब आर्थिक कार्य किए जाते हैं। अपना नोएडा का आपने नाम सुना होगा, भी नोएडा भी सेज में आता है। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी होती है, सबसे पहले मैं बता दूं वाणिज्यिक फसल कौन सी होती है, वाणिज्यिक फसल का मतलब है जिनको किसान उगाता है और बाजार में जाके उनसे व्यापार करता है तुरंत के तुरंत, ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा भाई बी, ठीक है, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, ठीक है, ये सारी वाणिज्यिक फसल हैं यानी कैश क्रॉप्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक कारक है, उत्पादन का कारक, पहले इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ दिया आप, ये क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन, कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों का उत्पादन के कारक कहते हैं, मतलब किसी भी वस्तु या सेवा का यदि आप उत्पादन करना चाहते हो तो आपको चार चीज़ों की आवश्यकता होगी, पहली चीज़ भूमि जगह, दूसरी चीज भूमि पर काम करने वाले लोग यानी श्रम यानी लेबर, तीसरी चीज पैसा जिससे व्यापार होगा, और चौथी चीज होगी ऑर्गेनाइजेशन। पता लग गए, या इसका मतलब है कि वस्तु और सेवा के उत्पादन के चार कारक होते हैं, इट मीन्स उत्पादन के चार कारक होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से
कौन सा उत्पादन का एक कारक है? अब बताइए आप, कोयला है, ऊर्जा है, टेक्नोलॉजी है, उद्यमी है? ये तो सारे उत्पाद हैं, जबकि उद्यमी एक आदमी है, व्यक्ति है, मेहनती है, एक लेबर है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16, बाजार का नियम किसने दिया? भाई ये देखो, इकोनॉमी से क्वेश्चन होते हैं, इसमें इतना ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, आप बस याद रखो, देखो जैसे कि ब्याज का नियम, बाजार का नियम, एकाधिकार का नियम, ये सब पूछे जाते हैं। बाजार का नियम, इसमें आंसर होगा आपका JB शाह, JB शाह ने दिया। क्वेश्चन नंबर 17, HDR इट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने मानव निर्धनता सूचकांक कब से शुरू किया? तो भाई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने मानव निर्धनता सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक कब से शुरू किया? इसका आंसर होगा डियर 1997, यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HDR। ये फिर बता दूं आपसे, यही पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए, भारत में गरीबी के आंकड़े, और वो भी मानव के स्तर पर, प्रति व्यक्ति के स्तर पर कौन जारी करता है? वो है HDR, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार निर्धनता सूचकांक जारी किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत 1997 से हुई। क्वेश्चन नंबर है, छोटे उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? इट मीन्स छोटे मोटे बिजनेसों के लिए कौन लोन मुहैया कराता है, उनके लिए फाइनेंस कौन करता है? ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अभी मैं बता दूं, यदि मुझे कुछ मुझे छोटी सी एक दुकान खोलनी है, तो हमारे घर में एक व्यक्ति ऐसा होगा जिससे मैं पैसा लूँगा, जो मेरे इन्वेस्ट करेगा, चाहे मेरे डैडी हो, चाहे मेरे माँ हो, चाहे मेरा भाई हो, वो होगा मेरे लिए फाइनेंसर। तो छोटे बिजनेसों के लिए फाइनेंसर होता है डियर SID, इसका मतलब SIDBI, मतलब एस मतलब स्मॉल, आई मतलब एस मतलब स्मॉल, आई मतलब इंडस्ट्री, डी मतलब डेवलपमेंट, बी मतलब बैंक, आई मतलब इंडिया, मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1990 में हुई थी, सिडबी 90, हेडक्वार्टर लखनऊ में है, हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ठीक है, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे IDBI और नाबार्ड, इन दोनों बैंकों की स्थापना बताना कब कब हुई है। याद रखना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एक तो IDBI की स्थापना और एक नाबार्ड की स्थापना कब कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? मतलब आपने सुना होगा कि जो हमारे शेयर वगैरह जो होते हैं, और जो भी उनकी शेयर मार्केट को कौन देखता है, RBI 35, UTI 64, ICI 55, SEBI 88। मैं बता दूं, मैंने इनके बाद में ये क्यों लगा रखा है आपको पता है? RBI ICI, क्योंकि मुझे पता है, मुझको ऐसे याद करने की आदत है, मुझको RBI याद करना है, तो RBI की स्थापना 1935 में हुई, तो मैंने RBI 35 कर लिया। ICICI की 1955, मैंने 1955 कर लिया। UTI 64 कर लिया। क्लास, यदि आप क्लास में पढ़ने वाले हो तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। जो नए व्यक्ति, मैं उनको बता दूं कि RBI 35 का मतलब डियर ये है कि RBI की स्थापना 1935 में हुई। ठीक है, अब मैं क्यों याद करूं RBI 35 याद कर लो बस, 1900 तो याद रहेगा या रहेगा, कोई 1835 में थोड़ी हुई होगी भी, 1835 में तो भारत आज़ाद भी ना हुआ। जा ठीक है भाई, तो भी लेते हैं फिर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा है। ठीक है, 1934 के एक्ट के अनुसार, 1833 एक्ट के अनुसार 1834 में, हाँ, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा भाई आपका SEBI 88, SEBI 88। अच्छा, आपको एक काम करना है, RBI की स्थापना,
देखना, मैंने लास्ट में क्वेश्चन में देखा, इसके हेडक्वार्टर वगैरह भी देखना आप, ठीक है। तो भारत क्वेश्चन है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ये होगा सेबी, सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश क्यों कहा जाता है? पहले तो याद रखो भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्यों है मिश्रित? भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का समन्वय, ये बिल्कुल, भारत में निजी मतलब भारत में प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करते हैं। भैया समझा दो कैसे, जैसे कि भैया भारत में जियो भी चला है प्लस भारत में अपना आइडिया भी चलता है, भारत में मेट्रो भी चलती है, तो भारत में भारतीय रेल भी चलती है, हो गए ना दोनों सेक्टर। तो भाई ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, चलते हैं। तो ये रहा एक और आपकी जान को झंझार, इसका नाम है भाई छोटू। छोटू आपसे 5 क्वेश्चन कर रहा है अभी और ये चैलेंज कर रहा है आपको। पहला क्वेश्चन क्या है कि कृषि आयकर किसके कर का स्रोत है, राज्य या केंद्र? ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना है। ऐसे करना भैया, पहले क्वेश्चन का आंसर ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, मुख्यालय, अध्यक्ष के बारे में बताओ। मतलब तीनों चीज़, आरबीआई की तीनों चीज़, स्थापना, मुख्यालय और अध्यक्ष। नाबार्ड की स्थापना, मुख्यालय और अध्यक्ष, तीनों चीज़। वर्तमान में आईएमएफ की अध्यक्ष कौन है? सुना है आईएमएफ, सुनने को तो मिला होगा, क्लास में मैंने भी कई बार पढ़ा है, आईएमएफ 45, उसके अध्यक्ष बताने हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है भाई, पहले जो वीडियो में 2-1 क्वेश्चन वो, और अभी 5 क्वेश्चन ये, इनके आंसर मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। आपको याद हो, ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गूगल बाबा जिंदाबाद हैं, गूगल से चेक करो और मुझे बताओ। तो पहले तो ये बताना है कि 20 में से कितने आपको क्वेश्चन याद थे। अब इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देना है, ओवरऑल हो गए 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिला है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ आप चाहते हो तो इसको शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और डेली एक नई वीडियो के साथ सेशन शुरू करने के लिए इस चैनल से आप जुड़ जाइए, ताकि आपको डेली एक जीके की वीडियो मिलती रहे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हम पढ़े के हिसाब से वीडियो डालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, इस वीडियो ने थोड़ा सा आपको ज़रूर बेनिफिट दिया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।